क्या हाल चाल है गाइस। मैं जा रहा हूँ अमृतसर और अभी हम लोग निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। हमारी ट्रेन है यहाँ से गोरखपुर से लखनऊ। लखनऊ पहुँचने के बाद हम लोग जाएंगे सीधा, सुबह हमारी 7 बजे फ्लाइट है, तो सुबह 7 बजे से डायरेक्ट हम लोग 8 बजे तक समथिंग पहुँच जाएंगे अमृतसर। तो अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, तो हम सीधा आप लोगों से स्टेशन पर मिलते हैं, बने रहिए वीडियो में। स्टेशन पहुँच गए हम लोग और अब हमारी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो सीधा जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। प्लेटफॉर्म 1 यही है, चलिए तो 1 पे ही। अच्छी उठा लीजिए गाइस अपनी अपनी, समय निकाल के ट्रिप पे निकलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप लोग भी ट्रिप पे निकलिए और देखा जाएगा जो होगा बाकी आगे, तो मन की शांति तो बहुत ज़रूरी है। गाइस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं हम लोग और इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, ट्रेन आ जाए तो निकला जाए। ट्रेन हम लोग की 7:05 पे है और अभी तक आई नहीं है, 6:30 हो गया समथिंग। ट्रेन आए तो उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से, तब तक लिए आप आगे देखिए वीडियो में। हो रही है यात्री एक्सप्रेस जो जयनगर से चलकर बस्ती गोंडल लखनऊ बरेली मुरादाबाद अम्बाला लुधियाना जलंधर करते अमृतसर तक जाएगी। ट्रेन समय संख्या 1 पर खड़ी हो रही है। यात्री गण के ऊपर ध्यान दें, 143 शहीद एक्सप्रेस जो जयनगर से चलकर बस्ती। बाराबंकी पहुंच गए हैं, लखनऊ 20 मिनट का और रास्ता है। और आप लोग अगर वीडियो बनाए तो फ़ौरन अंदर कर लीजिएगा, चोरी हो सकता है। गाइस 6 घंटे की मेहनत और सीट पे बैठे रहने के बाद फाइनली पहुंच गए हैं लखनऊ। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कुछ बाहर कुछ खाने, और हमारी कैब बुक है ऑलरेडी बाहर, तो खा पी के हम लोग सीधा निकलेंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे जाके थोड़ा वेट करेंगे, लॉन्च वॉन्च में अगर एक्सेस मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं वेटिंग रूम में हम लोग वेट करेंगे। तो अब जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे आपको दिखाते हैं, पूरे वीडियो में बने रहिए, इंजॉय करिए। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे और बोर्डिंग पास मिल गया हमें। बोर्डिंग पास देखना है और हम लोग जा रहे हैं अंदर चेकिंग के लिए। यहाँ पे हमारे जान पहचान के कस्टम ऑफिसर हमारे पहचान के हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगी, बट अभी चेकिंग नहीं होगा, तो जैसे होता है आपको दिखाते हैं। गाइस हम लोग हैं वॉशरूम में, थोड़ा ग्रूमिंग श्रूमिंग कर रहे हैं, बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। हम लोग की 4 नंबर पे हम लोग को जाना है, बोर्डिंग स्टेशन 4 पे, वहाँ जाके हम लोग वेट करेंगे। और यहाँ का वॉशरूम बहुत बेस्ट है यार, मज़ा आ गया। पीछे देख सकते हैं आप लोग, मिरर ही मिरर, इधर भी मिरर। तो मिलते हैं आप लोगों से हम फ्लाइट के अंदर, बने रहिए वीडियो में, पूरा देखिए पूरा। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, पूरा एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, बहुत शांति है आज, बट रेगुलर ऐसा नहीं होता, डे के टाइम पे इतनी शांति नहीं मिलेगी। और यहाँ पे एक मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि यहाँ पे वेंडिंग मशीन है, जिसमें हम लोग आराम से कुछ भी खरीद सकते हैं जो भी अवेलेबल हो। यहाँ बैठने के लिए जगह है, यहाँ पे देखिए आप वेंडिंग मशीन है, इसमें भी हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। सो गाइस लॉन्च में वीडियो नहीं बन पाया हमारा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको फ़ोन ऑफ रखना है,
इसीलिए फ़ोन बंद करके रखना पड़ा था हम लोगों को। बाकी पता नहीं क्यों ऐसा इन्होंने कहा कि फ़ोन सबके ऑफ रहने चाहिए, आप वीडियो नहीं बना सकते अंदर से, तो फिर कौन बहस करे। हमको लगा कोई पॉलिसी होगी इसीलिए नहीं कुछ बोला गया। बाकी खाना वेज में था, ठीक था, बढ़िया था। फिर उसके बाद एक एक कोल्ड ड्रिंक उठा के हम लोग बाहर आ गए। अब हम लोग बैठे हुए हैं, एक घंटा समय और बचा है, तो इसके बाद अब डायरेक्ट हमारी हम लोग फ्लाइट के अंदर बैठेंगे। तो आपको फ्लाइट में मिलते हैं सीधा। हम लोग अब फ्लाइट के अंदर बैठने जा रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट में जाएंगे और आपको व्यू दिखाते हैं अंदर का। अच्छा जोड़ दिया सब नहीं। गाइस फाइनली फ्लाइट में बैठ गए हम लोग अपनी सीट पे, विंडो वाली सीट मिली है, तो इस बार भी व्यू बहुत तगड़ा तगड़ा आने वाला है। और अभी तो ओस जमी हुई है इस पर, तो उतनी अच्छी वीडियो अभी आएगी नहीं। बाकी इनको देखिए फ़ोटो लेने के इरादे में है, बैठे हुए हैं। अब सीधा लैंडिंग करेंगे हम लोग अमृतसर 1 घंटा 20 मिनट में, तो अमृतसर पहुँच के आपको मिलते हैं। फ्लाइट मोड पर भी चल जाएगा फ़ोन, तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिए। सर एयरपोर्ट पहुँच गए हम लोग, यहाँ पे अपना बैग उठाने जा रहे हैं अब हम लोग का लगेज जो भी है, और उसके बाद सीधा जाएंगे हम लोग अपने भैया के रूम पे जो गोल्डन टेंपल के क्लोज में है। और उसके बाद अब सीधे थोड़ा रेस्ट करके फिर जाएंगे दर्शन करने, जैसा होता है वीडियो में दिखाते हैं। गाइस मैं अपने भैया के घर पहुंच गया हूं, और हम लोग एकदम टॉप फ्लोर पे हैं, और मौसम बाहर का बहुत 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 बढ़िया है। आपको मैं दिखाता हूं एक सेकंड, बाहर का मौसम देखिए कितना बढ़िया है। अभी तक धूप थी हमारे आने तक, अभी 10 मिनट में मौसम इतना चेंज हुआ है। और अगर जूम हो पाए तो वहाँ पर दरबार साहब ऑल्सो नोन एज गोल्डन टेम्पल है सामने, उतना ज़्यादा जूम नहीं है मेरे फ़ोन में, बट ये रूम है, हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ का मौसम देखिए आप, नीचे पूरी कॉलोनी है। तो गाइस अब हम लोग रेडी होने जा रहे हैं, यहाँ से रेडी होके फिर हम लोग जाएंगे मत्था टेकने गुरुद्वारे में, और फिर वहाँ बैठेंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे, थोड़ा शब्द सुनेंगे, और उसके बाद सरोवर में स्नान भी लेंगे। जैसे जैसा होगा सब आपको वीडियो में दिखेगा, तो वीडियो पूरा देखिए, एंजॉय करिए और बने रहिए। गाइस अब हम लोग निकल गए हैं गोल्डन टेंपल के लिए, और अब रास्ते में 5 मिनट का यहाँ से रास्ता है, और वहाँ पहुँच के तब आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। भाई 2 मिनट
भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे आके। हम लोग प्रसाद लेने आए हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं बाघा बॉर्डर और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो अंदर अगर फ़ोन साइज अलाउड हो तो वीडियो बनाते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होगा। अभी तो मैं बाहर हूँ। चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं। कुछ ऐसा भी हो है अंदर का, वो सामने है हमारा पाकिस्तान। देखिए इधर तो सामने जिन्ना जी की फोटो लगी हुई है। आगे हनी कौन बैठे हैं यार? हनी वो तो खाली है। क्राउड देखिए, क्राउड पाकिस्तान के साइड पे कोई नहीं आया और आप लोग इंडिया का क्राउड देख सकते हैं। गाइज बहुत लंबी परेड थी यहाँ की, आप लोग देख ही चुके हैं। तो अब जगह वो ख़त्म हुई है, तो परेड के साथ साथ हमारा भी आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। पूरा देखिए, एंजॉय करिए।